कोर्स मैक्स और मोटिवेशन के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वल्लभ क्लासेस चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी से। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में एक व्हील 360 रेवोल्यूशन लगाता है फ्रेंड्स, ये दिया है आपको। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन बनाएगा फ्रेंड्स, कितना रेडियन घूमेगा वो आपको फाइंड करना है, यानी कितना एंगल बनाता है वो फाइंड करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशन बनाता है वो जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको पता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता है, ठीक है। और आपको क्या दिया है इन्फॉर्मेशन में, इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 360 दिया है इन्फॉर्मेशन में, तो 60 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फ्रेंड्स 360 ही होगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 360 डिवाइड बाय 60 कर दो फ्रेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लगाएगा वो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, 6 रेवोल्यूशन लगाएगा। अब डिग्री मेजर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री है आपके पास, 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री बनाएगा, तो 360 × 6, ये आपको डिग्री मेजर मिल गया फ्रेंड्स। लेकिन आपको रेडियन में पूछा गया है तो रेडियन में ही आंसर होना चाहिए, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर इंटू पाई बाई 180 कर दो फ्रेंड्स, तो 360 × 6 × π/180 कर दिया फ्रेंड्स, 182 यानी 6 × 2 = 12π, ये आंसर रेडियन मेजर में मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।